ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर ने थाना कैंट बेतियाहाता स्थित सवेरा हार्ट केयर हॉस्पिटल में कोरोना का एक पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के कारण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में निगमित उक्त हॉस्पिटल से 250 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन सहित 500 मीटर की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया। इस परिधि में आम जनमानस का आगमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सैनिटाइजेशन कार्य के लिए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण के लिए पूर्ति निरीक्षण तहसील सदर, स्वास्थ्य परीक्षण कार्य के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा चेकिंग कार्रवाई एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए थानाध्यक्ष कैंट को नामित किया गया है। वहीं चिलवाताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने 500 मीटर एरिया को सील करा दिया। बरगदवा में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई एवं हॉट स्पॉट एरिया में सैनिटाइजर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। बांस बल्ली लगाकर चौकी प्रभारी बरगदवा राजकुमार सिंह द्वारा 500 मीटर के एरिया को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जानकी देवी 65 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय रामजतन यादव निवासी बरगदवा को 15 तारीख को सवेरा हार्ट केयर हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे ECG कराया था। उसके बाद वहां एम्बुलेंस के माध्यम से SPGI लखनऊ के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जांच करने पर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जबकि सवेरा हार्ट केयर हॉस्पिटल का लैब टेक्नीशियन भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसीलिए गांव को सील कर दिया गया है। इस दौरान SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, इस इलाके को कंटेनमेंट किया गया है। इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, सारी दुकानें बंद रहेंगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। आसपास जितने भी लोग हैं ध्यान दें, इसको कंटेनमेंट करना पड़ेगा। इस इलाके को सभी लोग यहां से सारा मूवमेंट बंद रहेगा। आपके यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, कस्टमर का खतरा है, सारे दिन तक आवाज सारे दिन तक सब बंद रहेगा। आप सभी लोग सब लोग बंद करके चलेगा, सभी सारे दिन तक बंद रहेगा। आपको कंटेनमेंट किया जा रहा है, सब किया जा रहा है। अरे वहां क्यों, मैं मिक्स कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ।
ऐड कर लीजिएगा, वो हम लिस्ट वेरीफाइड लिस्ट है हमारे मोटर सप्लाई में, हमने पहले से ही सभी गोरखपुर की जितनी भी है सबकी दुकानों की हमने लिस्ट बना ली पहले से, हमारे फोटो कैलिंग के लिए। तो ये शुरुआत आती है, हम निकाल लेंगे, शेयर कर देंगे, उसमें फिर आपको और ऐड करना हो आप ऐड कर देना, चस्पा करा देना, मंगाना हो तो। यहाँ पे हमें एक हॉटस्पॉट बनाना पड़ा, क्योंकि जो महिला लखनऊ में पेसमेकर जिसके डाला था जो पॉजिटिव पाई गई वो इसी मोहल्ले की हैं, और जो आज लैब टेक्नीशियन हमें बेतियाता में सवेरा हॉस्पिटल में मिला वो भी उसके संपर्क में आए थे, और इसकी वजह से हमने ये हॉटस्पॉट बनाया है। तो शासन के नए नियम हैं, जो 250 मीटर तक कंटेनमेंट एरिया और 250 मीटर अगेन बफर जोन उसको बना दिया गया, 500 मीटर का एरिया हमने सील कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। सभी किराना शॉप्स, मेडिकल शॉप्स, दूध और फल सब्जी विक्रेताओं की सूची जारी कर दी गई है, और फेसबुक तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं, वहाँ से भी आप डिलीवरी मंगा सकते हैं यहाँ के लिए। और सुबह शाम सैनिटाइजेशन किया जाएगा, और निगरानी समिति जो वार्ड नंबर 10 के लिए वो कल से एक्टिवेट करके डोर टू डोर सर्वे करेगी। जितने भी लोग माइग्रेंट हैं, जितने भी लोग प्रवासी बाहर से आए हैं और जो 60 साल से ऊपर हैं उनके अलग से सूची बनाएंगे, और ऐसे लोगों की कुल टेस्टिंग हम करेंगे। सर कितने अभी हॉटस्पॉट बनाए गया सदर क्षेत्र में? अभी ये नोवा हमारा हॉटस्पॉट है, आज दो हॉटस्पॉट बने हैं हमारे बेतियाता में, जो सवेरा हॉस्पिटल था और एक दूसरा यहाँ पे बरगदवा में, तो नौ हॉटस्पॉट हो गए हमारे पूरे सदर क्षेत्र तहसील में।